अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर एक बार फिर हम मौजूद हैं चौधरी अदील भाई के बर्थ फार्म पे। आए आपकी मुलाकात कराते हैं चौधरी अदील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, जी ठीक ठाक। अदील भाई, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया, जहाँ पर सेम कलर की टाइल, सेम कलर के केज, ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी स्पेसशिप में मौजूद हैं। वैसे भाई, सबसे पहले तो मैंने जगह का तौयन किया कि किस जगह पे बनाना है। ये मेरे पास स्पेस थी, ये मेरा जो एग्जिस्टिंग हॉल है उसके साथ ही मैंने इसको बनाया, और इसका जो रास्ता है वो उसी हॉल में से ही आता है। तो दूसरी बात ये है कि मेरे पास जितना स्पेस था उसके अकॉर्डिंग मैंने केजेस का साइज भी बनाया है। इससे बड़े साइज भी अगर केजेस बन जाते तो और ज्यादा अच्छे बनने थे, लेकिन मेरे पास जो जगह थी, जो लिमिटेड सी जगह थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको प्लान किया है। उसके बाद मैंने इसमें देखा कि मेरे नंबर ऑफ केजेस कितने बनते हैं, और मैंने फोकस नहीं किया कि मेरे जो केजेस हैं वो ज्यादा बने। मैंने फोकस किया कि केजेस को हाइजीन कैसे रखा जाए, एनवायरनमेंट है मेरा प्रॉपर है जो साफ सुथरा अच्छा खूबसूरत बने। फिर उसके बाद कलर स्कीम वगैरह, मेरा काम है एम्ब्रॉयडरी का, मेरा काम ही कलर स्कीम का, तो ये मेरे हाथ का काम है। तो उसमें इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले 3D बनवाया है, उसके बाद है जो मैंने फिर जब मुझे अच्छा लगा है, जो जो चीजें हैं वो चेंज करवा के उसके बाद है इसको। ये सारे जो केजेस हैं ये लोहे में नहीं, ये मैंने गल्वनाइज मटेरियल में बनवाए हैं, ताकि जो जंग वगैरह ना लगे इन्हें। और इसके अलावा इनको जो पेंट करवाया है ये टोटल मेटेलिक करवाया है। टाइल्स हैं, टाइल्स और ये हर चीज को मैचिंग मैंने इसलिए किया कि एक कलर है जरा आंखों को भाता है। और दूसरा ये कि जो सस्पेंडेड केजेस हैं, थोड़े हाइट पे केजेस हैं, ये बर्ड पसंद करते हैं, क्योंकि बर्ड है वो जमीन पे बैठना पसंद नहीं करता, तो थोड़ा हाइट पे बैठना पसंद करता है। तो इसीलिए इनका जो स्टाइल है वो इस तरह का रखा हुआ है कि बर्ड है वो इसमें हैप्पीली ब्रीड करते हैं। ओपन जिस तरह से लाहौर में शदीद गर्मी है इस वक्त जी, तो ये किस तरह गर्मी को कंट्रोल करता है? आप यहाँ पे खड़े हुए हैं देख रहे हैं कैसे यहाँ पे हवा आ रही है। जी जी, यहाँ पे वेंटिलेशन इतनी अच्छी होती है। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ओपन जो छत है उस पे रखे हुए हैं, और उन्होंने कवर्ड भी नहीं किए हुए। तो मेरा ये प्लान था, मैं जब इनडोर रखा हुआ था मैंने बर्ड, तो मुझे यही होता था कि लोग किस तरह मैनेज करते हैं, टेम्परेचर को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो मुझे तकरीबन 2 महीने गर्मी के गुजर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो बर्ड्स हैं उनमें कोई इशू नजर नहीं आया। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका जब एक टेन्योर गुजर जाता है तो आपको पता चलता है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं आया। मैंने यहाँ पे मिस्टिंग सिस्टम लगवाया हुआ है, उससे ये है कि काफी हद तक इन्हें ये रिलैक्स हो जाते हैं शावर लेके। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं हाफ कवर्ड है, हाफ ओपन है, और ये जो एरिया है लगता बजाते देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई शीशा है या कोई चीज यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ऊपर जाली या खुला आसमान है। तो जब ये ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो ये बैक पे चले जाते हैं कवर्ड एरिया में, और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं, मौसम बेहतर हो जाता है, तो तब ये फ्रंट पे आ जाते हैं। सर्दियों में भी इनको कवर नहीं करूंगा, अभी तो सर्दियां खैर इस शेड में आई नहीं है, लेकिन अभी तक प्लान तो यही है कि इनको कवर नहीं करना है, इनको मैंने टोटल नेचुरल माहौल में रखना है। क्योंकि मैंने सारे वो वाले यहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं जो जो कि हार्ड है, हार्ड ब्रीड है, और जैसे कि किन्योर फैमिली है, मेरे मुताबिक किन्योर फैमिली यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रीड नहीं करेगी। और मैंने ज्यादा यहाँ पे मकाउस और ये अमेज़न और ये अक्लेक्टस हैं, और इसके अलावा जो काकाटूस फैमिली है ये मैंने उनके लिए बनवाए हैं। और अभी फिलहाल वक्त मेरे पास कुछ केजेस खाली थे, तो मैंने कुछ रिंग नेक्स और अलेक्जेंड्रीन के पेयर छोड़े हुए हैं, बाकी जो है ना कि केजेस मैंने इन बर्ड्स के लिए बनाए हैं। जी जी, और अदील भाई हम स्टार्ट करते हैं, एक केज के बारे में बताएं कि ये केज है ये कितने का बनता है। अब दोस्त चाहेंगे कि ये हम भी बनवा के देखें। अदील भाई ये मैंने एक मेरे ये मैंने उनसे बनवाया है, तो मैंने किसी केज मेकर से नहीं बनवाया। क्या कॉस्ट पड़ी होगी इस केज की? इसकी जो कॉस्ट है मैंने जो एग्जैक्ट है ना मेरा तकरीबन पूरे शेड पे है, वो एक जो है वो तकरीबन मेरा 4 मिलियन लगा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो है। आसानी के लिए बता दूं दोस्तों को, परिंदों के अलावा 40 लाख रुपए का बना है जी। लेकिन इसके अलावा मैंने काफी ऐसी चीजें हैं जो बीच में एड नहीं है, क्योंकि मेरा ये शौक है, बिजनेस बाद में है, ये
मेरा शौक है और मैं शौक जब भी मेरा दिल करता है कि मैं शौक है ऐसे करूं कि जहां पे भी जाऊं दिल वहां पे करे कि बैठने का अच्छा हो, तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है कि काम कर। अदिल भाई कितने केजेस मौजूद है यहां पर? यहां पे 17 केजेस है। अदिल भाई इस लाइन में क्या क्या मौजूद है? सर इस लाइन में सारे ब्लू एंड गोल्ड के पेयर हैं और इसमें माशाल्लाह मेरे पास जो ब्रीडिंग केजेस भी हैं। और अदिल भाई केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? केज साइज मैंने आपको बताया है, इसका 5x8 का केज है और इसकी हाइट भी 8 फिट है, डेप्थ भी 8 फिट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 फिट है। अदिल भाई बॉक्स के बारे में बताएं, क्या साइज है बॉक्स का? नेस्टिंग बॉक्स है, मुझे एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट्स का नहीं पता लेकिन जो नेस्टिंग बॉक्स मार्केट में मिलते हैं मैंने उससे बड़ा थोड़ा बनवाया है और इसमें थोड़ी चेंजिंग करवाई हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, वो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 1.5 महीने के बाद जब मैंने यहाँ पे बर्ड छोड़े तो 1.5 महीने के बाद मेरे पास लेंग आ गई थी एक पेयर की। क्या वो पहले से ब्रीडर था या फर्स्ट टाइम आपके पास आई है? जी वो ब्रीडिंग पेयर था। ब्रीडिंग पेयर था। अदिल भाई इस लाइन में क्या मौजूद है? इस लाइन में मेरे पास काकाटूज है, ये मैंने सारी जो लाइन डिजाइन की है ये अलेक्टिस काकाटू और अमेजोन के लिए की है लेकिन मेरे पास अभी बर्ड पूरे नहीं है तो मैंने इसमें रिंग नेक और रा भी छोड़े हुए हैं लगभग, और बाकी इन केजेस का जो साइज है वो इन केजेस के निस्बत 1 फिट छोटा है, ये 4x8 के केजेस है, इनका जो फ्रंट है वो 4 फिट है, हाइट है वो 8 फिट है और डेप्थ है वो भी 8 फिट है। ये मैंने अपनी जगह के अकॉर्डिंग जो केजेस हैं डिज़ाइन किए हुए हैं क्योंकि मेरे पास जगह इतनी थी नहीं, तो डेप्थ है वो तो मैक्सिमम जितनी भी दी जाए वो उतनी अच्छी होती है। अदिल भाई आपका फेवरेट परिंदा अलेक्टिस इधर आने से शिफ्ट होने से क्या कोई रिस्पॉन्स वगैरह दिया है ब्रीड के हवाले से उसने कि नहीं दिया अभी तक? पहले से काफ़ी बेहतर है, इनकी हेल्थ बड़ी बेहतर हो गई है तो अभी तकरीबन इनको 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, उम्मीद है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। अदिल भाई इस जगह को लेके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी फिलहाल नहीं है, मेरे पास जगह और है और जो जगह है इसके बाद का मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा आउटडोर तो हो सकता है फ्यूचर में मैं इंडोर खत्म कर दूं और इससे ज्यादा जगह है इसके साथ ही बैक साइड पे जी जी। तो वहाँ पे मेरे जो केजेस हैं वो इससे डबल बन जाएंगे, साइज में भी अच्छे बन जाएंगे और इसमें जो कमियां रह गई हैं मेरे मुताबिक इसमें अभी तक तो कोई कमी नहीं है लेकिन जब तक टाइम गुजरता है आपको तब इसका पता चलता है कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, वो फिर उसमें दूर करूंगा। अदिल भाई आपका सेटअप हमने देख लिया, मैं चाहूंगा कि आप हमें बर्तन वगैरह दिखाएं, बॉक्स वगैरह दिखाएं और डोर वगैरह दिखाएं जहाँ से ये आप एंट्री कराते हैं परिंदे जी। चले आइए। आ जाइए। अवैस भाई ये इसका जो फूड वाला सिस्टम है ये इसके डोर्स हैं, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये ऐसे स्लाइड इसको करके ये 3 बर्तन है, ये दाने का, ये सॉफ्ट फूड का और ये पानी का, ठीक है, और ये बड़ा इजीली रिमूव हो जाते हैं और ये आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो होल बनाए हुए हैं यहाँ से बर्ड इसको पिक करता है और उसके बाद वो जाली पे बैठ के खाता है और 90% जो वेस्टेज है जैसे आप वो वहाँ पे ट्रे में देख रहे हैं इसकी 90% वेस्टेज है वो इसके अंदर गिरती है। तो ये इस तरह इसको जब बंद करूँ तो ये देखें जो होल हैं वो एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गए हैं और ये सारा वेस्टेज के लिए इसका सारा ये सारी इनकी वेस्टेज है। अदिल भाई फीड में क्या दे रहे हैं परिंदे को? फीड में इनका जो मिक्स फीड है वो है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, पैलेट्स हैं तो मेरे सारे बर्ड्स हैं वो बड़े शौक से खाते हैं पैलेट्स और इसके अलावा सर्दियों में जो है वो डिफरेंट जो इनका फूड है और जो समर्स है उसमें थोड़ा अलग है। सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं? सॉफ्ट फूड में आजकल जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल भी चल रही हैं या कॉर्न छलियाँ चल रही हैं जो आजकल ताज़ा है। अदिल भाई अक्सर मैं सड़क में जाता हूँ काम में जाता हूँ सफाई का इंतज़ाम नहीं होता लेकिन माशाल्लाह आप हर चीज़ चमका के रखते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन भी हैं लेकिन उनके साथ मैं खुद भी हेल्प आउट करवा देता हूँ, अक्सर होता है कि अगर कोई चीज़ गंदी है या मुलाजमीन को मैं इनामात भी देता रहता हूँ, अगर कोई चीज़ है बिल्कुल साफ सुथरी हो मुझे आके बड़ा फख्र से बताते हैं कि सर ये देखें ये हमने चीज़ बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप की हुई है, साफ सुथरी की हुई है,
तो मैं इनको उस पर फिर इनामात भी देता हूँ और वैसे भी उनको खुश रखता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो ना हर चीज़ है वो बिल्कुल मेंटेन रखती है। दीदी मैं चाहूँगा कि बॉक्सेस दिखाएं आप। जी ये ब्रीडिंग बॉक्सेस की सारी जगह ये जो ऊपर ऊपर है, और इनके जो चेक करने के जो दरवाजे हैं वो मैंने इनकी बैक साइड पर लगाए हुए हैं। लेफ्ट राइट इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि यहाँ से चेक करने का इशू होगा, तो बैक साइड पे दरवाजे हैं और आप देख रहे हैं कैसे मैंने सिमेट्री में बिल्कुल एक जैसे बॉक्सेस हैं। दिल भाई बॉक्सेस भी देख लिए, बर्तन भी देख लिए, मैं चाहूँगा कि आप मुझे डोर दिखाएं। जी इसके डोर को मैंने ये लॉक लगाए हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर ईजीली है, आप इसके अंदर एंटर भी हो सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मैंने ध्यान रखा हुआ है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे दीवार थी, यहाँ पे इनकी ड्रॉपिंग वगैरह ना गिरे इसलिए यहाँ पे चादर का एक पीस लगवाया हुआ है ताकि यहाँ पे सफाई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में खुद आनी चाहिए या पता नहीं मेरे दिमाग में आती हैं, मुझे आसान लगता है कि ये चीज़ें आसान हैं। और ये जो ये बर्तन है इसका डिज़ाइन है, ये भी बैठ के खुद ही सोच समझ के ये किया हुआ है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो इसको खुद से मैनेज किया हुआ है। अदील भाई आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, हमारे नए आने वाले व्यूवर्स को बताएं क्या नेम है उसका। मेरा यूट्यूब चैनल है अदील चौधरी आईवी ADELCHAVIARY, उस पर मैं सारी इंफॉर्मेशन वीडियोज डालता हूँ, जितना मैंने बर्ड पे एक्सपीरियंस किए हुए हैं, मेरा जितने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने A to Z उस पर वक्तन फोक्तन उस पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, बहुत मजे मजे की वीडियो बनाते हैं और माशा क्वालिटी तो पूछे ही ना, मज़ा आता है वीडियो देखने का। ठीक है अदील भाई इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? चलिए मैं अब आपको इंडोर आइवरी दिखाता हूँ अपनी। ठीक है जी, अब हम आ गए आपके इंडोर शहर में। अदील भाई क्या क्या न्यू एडिंग जी है, क्या क्या मौजूद है? आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे किन्योर्स हैं इनसे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे किन्योर्स हैं। मेरा अगर मेरा एक मेरे पास पोर्शन हो तो मैं कोशिश करूँ कि सारे में किन्योर ही रख लूँ, और भी इसके अलावा भी ऐसी ऐसी किन्योर की वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर मंगवाऊँ। मैंने अपने सन किन्योर के हर साल को 5 से 6 पेयर जो है वो उसको बढ़ाता हूँ, और इस टाइम माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेयर है। इसके अलावा मैंने छोटे किन्योर ऐड किए हैं, उसके अलावा मैंने येलो रिंगनेट्स हैं वो ऐड किए हैं, और फिर उसके बाद है मैंने अफ्रीकन ग्रे के मैंने कुछ कैप्टिव पेयर हैं जो अपने पास तैयार किए हैं। आपको पता है कि मुझे शुरू से जो बर्ड्स हैं ज़्यादा वो पसंद हैं वो कैप्टिव बर्ड पसंद हैं, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स हैं एक तो वो ब्रीड अच्छी नहीं करते और दूसरा उनको सेटल करना भी बहुत मुश्किल है, तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं कैप्टिव बर्ड रखूँ। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लें क्योंकि वीडियो होने वाली है लॉन्ग, तो आज अदील भाई करते हैं स्टार्ट। ग्रे की ब्रीड है जी, 21 साल की मेरी, ये मैंने कुछ पेयर जो है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ हर साल में 2-3 पेयर है ना अफ्रीकन ग्रे के ऐड करता हूँ, अपने ही जो मेरे यहाँ की ब्रीड है यहाँ से ही है ना मैं इनको आगे इंक्रीज करता हूँ, और मुझे कैप्टिव बर्ड का शौक है। उसके बाद ये फ्लॉक है मेरे पास सन की नहीं उठता है, ये अभी सेल्फ नहीं हुए, बच्चे अभी फीड ले रहे हैं। उसके बाद ये मेरे पास रिंगनेक्स है सारे, तमाम ब्रीड कर रहे हैं नहीं, इसमें से 7 हैं वो 3 साल पुराने थे, 7 हैं वो, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर है वो ब्रीड करेंगे। अजीत भाई अक्सर मैंने देखा आप परिंदे वगैरह चेंज करते रहते हैं, इसकी क्या वजूहत है? अगर चेंज नहीं करता हूँ मैं हर साल है ना, मुझे एक चेंज करना पसंद है, जैसे कि लास्ट ईयर ये केजेस नहीं थे, मैं हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब तक आप एक चीज़ है अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा गुड रिजल्ट कैसे आते हैं। तो मेरा ये तीसरे स्टाइल का केज है जो मैंने सीनियर फैमिली को दिया, और ये मेरे मुताबिक ये सबसे बेस्ट है। मुझे इस साल जो ब्रीड है इसकी मैक्सिमम मिली है, मुझे बहुत अच्छी ब्रीड मिली है, और मेरा कोशिश मेरी होती है मैं मैक्सिमम जो इनको ना फ्लाइट चेंज दे सकूँ ताकि बर्ड है वो खुश रह सके, और वैसे भी जो चेंज है वो मुझे वैसे मेरी आंखों को भाता है, मुझे पसंद है कि हर साल को चेंजिंग है। एक सवाल दोस्तों ने बहुत ज़्यादा किया है कि अदील भाई का शायद इंडोर है,
तो इसमें धूप आती नहीं है, तो विटामिन डी कैसे पूरी करते हैं? मैं इनको सॉल्वेट डी ब्रीडर जो है वो मैं इनको फ्रीक्वेंट देखता हूँ, जो सॉल्वेट डी ब्रीडर है वो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो इनकी जो है ना, इनको कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या इनको विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो, तो विटाफॉर्म कंपनी का है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन बात ये कि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है आपको एक दो साल बाद चेंज करने चाहिए, ताकि एक ही मेडिसिन है वो एक टाइम पे वर्ड इतना उससे इम्यून हो जाता है कि वो उसको असर नहीं करता। तो इसलिए मैं दो साल से वो दे रहा हूँ, मजीद उससे पिछले दो साल से एक और मेडिसिन है वो दे रहा था, हर साल चेंज करता रहता हूँ। अजीत भाई, आपके पास येलो रिंग नट कितने कलेक्ट कर रहे हैं? मेरे पास इस साल फर्स्ट इन्होंने ब्रीड की है और मेरे पास 3 प्लस आए हैं, क्योंकि इस साल मैंने आर्टिफिशियल इंकोबेशन की है, लेकिन जो फॉस्टरिंग है वो मैंने ग्रीन विंगनेस के साथ की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 प्लस आए हैं और अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट है। अजीत भाई, केज साइज क्या है येलो रिंगनेस का? इसका जो फुल पट्टू केज साइज है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 2-2-4 है साइज इसका। 2 फिट इसकी चौड़ाई है, 2 फिट हाइट है और जो डेप्थ है इसकी 4 फिट है। अजीत भाई, आपके पास माशाल्लाह से हज़ारों की तादाद में परिंदे मौजूद हैं, तो आपके जो मुलाजमीन हैं वो किस तरह कवर करते हैं? हर परिंदे को दाना डालना, हर परिंदे को पानी देना, मैनेज करना, सफाई करना, ये किस तरह मुमकिन है? बस मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो मेरे मुलाजमीन हैं उनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ और उनको हर तरह की मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको हर तरह से फैसिलिटेट करूँ, उनके लिए आसानी पैदा करूँ, ताकि वो काम भी फ्रेंडली करें, ना कि उन पर ओवर बर्डन करूँ। तो मैंने जो केजेज हैं उनके जो बर्तन हैं वो इस तरह से बनाए हुए हैं कि एक तो ये मूविंग बर्तन है, ये इजीली एक लड़का है आगे इनको सबको घुमा देता है, दूसरा लड़का इनमें से निकाल के डबल मैंने बर्तन रखे हुए हैं वो वॉश हुए हुए लगा देता है और दूसरे वाले रिमूव कर देता है। उसके बाद अक्सर होता है कि हॉल में पिंजरे बाहर आए होते हैं बर्ड, तो उसके लिए मैंने ये बेड लगाया हुआ है ताकि जो बर्ड है ना वो इसको ना निकाले, लड़कों को भी खपना ना पड़े। उसके अलावा मैंने ये छोटी छोटी ड्रॉज बनाई हुई है हर एक दाने के लिए कि बाहर से ही क्लीन कर रहे हैं, और सबका स्टाइल एक जैसा ही है, ना कि किसी को एक साइज का बर्तन लगा हुआ है, किसी और को एक साइज का बर्तन लगा हुआ है, तो सब बर्ड है ना उनको एक साइज का जो बर्तन है ना वो लगाना होगा। अजीत भाई, गर्मियों का मौसम है, ज्यादा दिन में आपको आप क्या दे रहे हैं चिड़िया? अभी मैं जो इनको दाना दे रहा हूँ उसमें मैं इनको जो सूरजमुखी और भंग है और कुर्ता में उसकी मैंने क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि मूंजी की जो मेडिसिन मूंजी की जो मकदार है उसको बढ़ा दी है। उसके अलावा इनको आजकल कद्दू और उसके अलावा तरबूज और जो सीजनल फ्रूट है सेब चल रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अजीत भाई, माशाल्लाह से जिस तरह आजकल येलो रिंग नट काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्या किसी हमारे व्यूअर को, दोस्त को ब्रीडर पेयर मिल जाएगा आपके फार्म से? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ब्रीडर पेयर हैं वो कोई भी सेल नहीं करता। देखें, हर बर्ड है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, जैसे कि ये मैंने यंग बर्ड खरीदे थे आज से 3-3.5 साल पहले और ये मेरे पास अगर लेट्स सपोज ये 20-30 है, 10 जोड़े हैं, तो 10 जोड़ों में से ज़रूरी नहीं कि मैंने 20-30 ही खरीदे थे तो 20 नई ब्रीड आके स्टार्ट कर दी है, मैंने तो 25 खरीदे थे उसमें से 4-5 मरे हैं, तो एक आ रहा है उसको कोई और किस्म की बीमारी हो गई, तो इसकी बैक पे मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी एक स्टोरी होती है। तो जो लोग ब्रीडर पेयर कह देते हैं कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर मैं अपने पेयर कुछ बेचता भी हूँ, लेकिन जब मैं बेचता हूँ मैं बड़े हाई एंड प्राइस में बेचता हूँ, उसकी वजूहत ये होती है कि जब मैंने एक स्पीशीज ख़त्म करनी है उसकी बैक एंड पे बड़ी एक मेहनत होती है जो लोग समझते नहीं हैं, जैसे कि अलेक्जेंड्रीन रॉ है, मैंने कुछ पेड़ हैं वो सेल किए हैं और आगे मजीद है मेरा, आगे हर साल है थोड़े थोड़े इनको कम कर रहा हूँ, तो जब मेरे से लोग पूछते हैं कि ये तो थोड़ी सी प्राइस का बर्ड है आप डबल प्राइस में क्यों सेल कर रहे हैं, तो मैं उसको बताता हूँ कि गारंटी मेरी है लेकिन उसमें बर्ड है वो जैसे मैं बता रहा हूँ वो वैसे ही होगा, उसमें ये नहीं है। मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो प्रूवन पेयर भी देते हैं, अच्छे पेयर ब्रीडिंग पेयर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बीच में उनकी अच्छे लोगों की आड़ में आपको गलत चीज़ भी दे देते हैं और वो भी हाईएस्ट प्राइस से देते हैं, उसकी ये रीज़न है। तो ब्रीडिंग पेयर बनाने के लिए आपका टाइम भी गया ज़ाया हुआ होता है, उसमें आपके बर्ड भी ज़ाया होते हैं, मतलब कि आपका जो बर्ड है आपको तकरीबन डबल कीमत पे कॉस्ट करता है जब तक वो ब्रीडिंग पेयर है। अजीत भाई, आपके संग कितने कलेक्ट कर रहे हैं?
अवैध मैंने इनसे 4 से 5 कुछ पेयर में उन्होंने 6 भी दे दी है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं लेने चाहिए, 3 या 4 क्लचेज होने चाहिए, इससे ज्यादा क्लचेज नहीं लेने चाहिए। रील भाई अक्सर मुझे दोस्त मिलते हैं, मार्केट में ही मिलते हैं, उसे फेसबुक पे ही रब्ता करते हैं, फोन भी करते हैं, एक सवाल करते हैं कि अधीन भाई से हमें संग किन्नौर के पेयर पट्टा या पेयर ले दे या चिप्स ले दे या पट्टे ले दे, क्या वजूहत है कि आप लोगों को देते नहीं है? नहीं अवैध ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कुछ लोग हैं ना वो इतना एडवांस में, अब जैसे कि मेरे पास उतने पेयर सेल्फ नहीं होते जितनी डिमांड होती है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं तब तक पेयर नहीं देता जब तक वो फीड छोड़ ना दे, क्योंकि अगर फीडिंग वाले बर्ड देना है तो वो मार्केट में भी काफ़ी अवेलेबल है, और इसमें किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती, जैसे कि डीएनए है, डीएनए मैं खुद से करवाता हूँ, इसमें चीटिंग नहीं है, और जब तक बर्ड प्रॉपर सेल्फ नहीं हो मैं तब तक बंदे को कॉल करके बुलाता नहीं है। अजीत भाई इसमें कितनी सच्चाई है, मैंने एक दोस्त से पूछा कि यार आप मार्केट से ले लो संतिनौर के पेयर, पेयर ही पेयर मौजूद है मैं आपको ले देता हूँ, वो कह रहे हैं नहीं भाई मैंने अजीत भाई से लेने हैं। मैंने कहा क्या वजूहत है? वो कह रहे हैं अजीत भाई के पेयर ब्रीड भी अच्छी करते हैं और 6 से 8 लाख देते हैं साल के, इसमें कितनी हकीकत है? लोगों की मोहब्बत भी है जी, और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं बर्ड को फीड अच्छी देता हूँ, फूड इनको अच्छा सर्व करता हूँ, और बच्चे हैं वो भी अच्छे ग्रो करते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता है बर्ड पे। अजीत भाई अगर मुझे लेने हो सन की नोर तो मुझे कितना अर्सा पहले बुकिंग करानी पड़ेगी आपसे? अवैध भाई मैं लास्ट ईयर मैंने कुछ एडवांस में बुकिंग की, लेकिन उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया, जो कमिंग सीजन है उसमें मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक बर्ड सारे सेल्फ नहीं होंगे तब तक मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतने लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अजीत भाई इसके बाद क्या मौजूद है? अवैध भाई ये कुछ अफ्रीकन ग्रे के पेयर हैं, ये मेरे पास सारे कैप्टिव पेयर हैं, ये देख रहे हैं मोस्टली जो लोगों के पास होते हैं वो जंगली होते हैं डरते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी अफ्रीकन ग्रे का बर्ड है वो नहीं डरता। क्या ये ब्रीड भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनमें से कुछ पेयर हैं आधे जोड़े हैं वो ब्रीड इस साल उन्होंने किया है, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब ब्रीड करेंगे। अजीत भाई आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वाइल्ड बर्ड अच्छा ब्रीड करता है या कैप्टिव बर्ड? भाई जो कैप्टिव बर्ड होता है वो आपके माहौल के मुताबिक है, वो एडजस्ट हो जाता है और वो तमाम चीज़ें खाता है जो आप उसको सर्व करते हैं, तो उसके मुताबिक ही वो माहौल के मुताबिक एडजस्ट होता है और ब्रीड भी अच्छी करता है। जंगली जोड़ा है वो तकरीबन 1.5-2 साल जाके उसको होश आता है और वो खाना कुछ लगता है, और अक्सर होता है कि आप अगर 8 से 10 पीस अगर जंगली लेते हैं तो उसमें से 2-3 एक्सपायर भी हो जाते हैं, वो गुनाह आपको अलग से होता है, और दूसरा बर्ड की जान रह जाती है और आपका नुकसान भी हो जाता है, तो क्यों ना आप ये जो 2-3 साल वेट करना है जंगली जोड़े का, तो आप एक छोटा बच्चा जब वो जब तक वो बड़ा होता है वो भी इतना 2-3 साल ही लेता है ब्रीड करने में, तो क्यों ना आप वो बड़ा पेयर लें, वो आप कैप्टिव जोड़ा लें और उसको आप ग्रो करके उससे ब्रीड करवाएं। जी अजीत भाई कई साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रे के लिए? इनका 2.5-3.4 साइज है। जी ठीक है अजीत भाई, ये नीचे संतिनौर मौजूद है, मैंने आपको बताया मैं हर साल कुछ बर्ड्स हैं वो रोकता हूँ अपने लिए, कुछ इनमें से ये सारे वो बर्ड्स हैं जिनके कुछ नेल्ड नहीं है, किसी का कोई पर डैमेज है कोई कुछ है, तो वो मैं अपने ब्रीडिंग में लिए चला लेता हूँ, वो सिस्टम चल जाता है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बंदे को उसके बगैर पूछे भी उसको कभी भी ऐसा बर्ड नहीं दिया था कि जिसमें कोई थोड़ा बहुत नुक्स हो। जी जी और अजीत भाई ये आपने केजेस वगैरह भर रखे हैं, इनकी क्या स्टोरी है? ये मैं जब मैंने बर्ड रखने स्टार्ट किए थे, राह रखने की स्टोरी ये है कि मैंने 10 जोड़े लिए थे और वो 10 मेल्स हैं उनके साथ 10 जो है ना वो फीमेल्स करके मेल्स के पट्टे लगाए हुए थे। जी जी। और जब 2 साल मैं वेट करता रहा कि ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, तो पता लगा कि भाई ये भी मुझे मेल करके साथ दिए हुए हैं, वो फीमेल्स करके दी हुई हैं, तो तब से मैंने सोचा, और जब मैंने बर्ड रखने स्टार्ट किए थे मैंने 2015 में स्टार्ट किए थे, कोई ऐसा पाकिस्तान में मुझे ब्रीडर नहीं मिल रहा था कि जो डीएनए करवा के कैप्टिव बर्ड सेल करे, तो मैं लास्ट 3 ईयर से मैं कैप्टिव बर्ड उनको ग्रो करता हूँ, उसके बाद इनका खुद से डीएनए करवाता हूँ, इस साल हर साल मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ, ये मेरा नर्सरी रूम बनाने का भी मकसद यही है कि मैं बर्ड को अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो करूँ और उसको जब वो प्रॉपर सेल्फ हो जाते हैं फिर उनको सेल कर सकता हूँ। जी अभी ये तकरीबन लोगों के लिए तो ये तकरीबन तैयार है, लेकिन जब तक मैं इनको सेल नहीं करूँगा जब तक ये खुद से फीड नहीं छोड़ेंगे, और जब ये खुद खाना पीना शुरू हो जाते हैं और फीड छोड़ के 15-20 दिन गुजर जाते हैं उसके बाद मैं इनको सेल करता हूँ, तब तक मैं किसी बंदे को नहीं देता।
ठीक है, रदिल भाई साहब सन के और भी मौजूद है जी, सन के लिए और भी मेरे पास, ये भी अभी थोड़ी बहुत भीड़ ले रहे हैं, तो जैसे ही हैंड फीड खत्म होती है तो किसी ना किसी भाई को मैं उनसे कमिट किया होता है लास्ट पे, तो वो उनको जैसे ही बर्ड बिल्कुल सेल्फ होते हैं मैं साथ ही उन्हें डिलीवर कर देता हूँ। अजीत भाई, जिस तरह से आप माशाल्लाह से DNA करा के पेयर वगैरह देते हैं, तो कोई हमारा व्यूवर, कोई हमारा भाई अगर आपसे लेना चाहे पत्ते का पेयर तो मिल जाएगा? मैं उन्हें बिल्कुल दे दूंगा। अजीत भाई, क्या कार्गो सर्विस भी अवेलेबल होगी? नहीं, मैं कार्गो बर्ड इसलिए नहीं करवाता क्योंकि लाइव स्टॉक है, और लाइव स्टॉक है ना वो रिस्की होता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप भिजवा दें, तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बर्ड मर भी जाए, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता। उसमें वजह ये होती है कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, दूसरी वजूहत ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्गो का सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि जिस बंदे ने लेने हैं वो खुद आके फिजिकली बर्ड को देखे तो वो खरीदे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वो आपकी ऐसे भी हाइप बना देते हैं कि इसने मुझे गलत चीज़ दी, तो मैं तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं कतन ऐसा काम नहीं करता, मैं कार्गो बिल्कुल भी नहीं करता किसी को भी बर्ड। जो भाई भी ख्वाहिशमंद है अजीत भाई के बर्ड्स वगैरह लेने के लिए, तो आकर अजीत भाई के फार्म पर आके ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर अजीत भाई एक सिफारिश में करूँगा, अक्सर हमारे भाई कहते हैं उनसे भी कुछ शफकत करें, सन कलर के पट्टे वगैरह दे दें उन भाइयों को। जी बिल्कुल, मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो मैंने सेल करने होते हैं वो मैक्सिमम जिन लोगों से मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मेरे पास मैं आपको दे दूँगा, तो फिर मैं झूठ नहीं बोलता है, तो मैं उनको ज़रूर देखता हूँ। जी फिलहाल अवेलेबल हैं सन दिन और के पट्टे अवेलेबल हैं, जो जो भाई मुझे कह रहे थे कि अजीत भाई से लेने हैं वो अजीत भाई से रब्ता करके खुद आकर लें, कार्गो अवेलेबल नहीं है। अजीत भाई, ये कौन सा तोता आपने रंग करके रखा हुआ है? सर रंग करके नहीं, आप तो मुझे लगता है ज़्यादा ही मजाक आपको सूझ रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है, ये येलो रहा है। मैंने सोचा हमारे व्यूवर बोर ना हो गए हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उनका थोड़ा मजाक एलिमेंट भी होना चाहिए। नहीं जी, येलो रहा है, आगे मेरा प्लान है मजीद येलो रहा बढ़ाने का, इसी वजह से मैं कुछ जो ग्रीन कॉमन जो मेरे पास पेयर है रहा के वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद आप ये येलो कश्मीर की तरफ आना जी इंशाल्लाह। अजीत भाई, इसके साथ जो मेल मौजूद है उसके बारे में बताएं हमें। ये मेल नहीं है, ये इसके साथ ये दोनों ही फीमेल्स हैं, वो ऑलिव की फीमेल है और ये येलो की फीमेल है, इनके जो मेल हैं वो स्प्लिट, वो दूसरे केज में है, वो आपको बजाय नज़र आने में आम जो रहा है वो ही नज़र आएंगे। ये स्प्लिट का मेल और एक नीचे ये ऑलिव का मेल है। अजीत भाई के बारे में बताएं, ये सिंपल पेयर है कश्मीरी के? जी ये कॉमन पेयर है, और माशाल्लाह मेरे पास ये सारे जो ये 40 पेयर थे जिसमें से मैंने तकरीबन 8 पेयर है वो सेल कर दिए हैं, और आगे मजीद है, वो आगे प्लान है कि हर साल थोड़े थोड़े पेयर ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे मजीद है ना उसको म्यूटेशन दिया एग्जॉटिक की तरफ जा रहा है। अजीत भाई, कश्मीरी आपके पास कितने क्लच कर रहा है? मेरे पास इस साल मैंने 4 क्लचेज लिए हैं, मैंने इस साल आपको पहले भी बताया कि मैंने आर्टिफिशियल इनकोबेशन की है, तो फर्स्ट क्लच मैंने जो है वो आर्टिफिशियल इनकोबेशन के थ्रू लिया है, सेकंड जो है मैंने वो काठों के नीचे रख दिए थे, और थर्ड और फोर्थ है वो इनसे मैंने पलवाए हैं। बच्चे जो आटो इनकोबेशन जो हमारे दोस्त नहीं समझ रहे हैं, उनके आसानी के लिए समझा दूँ, इनकोब्यूटर का इस्तेमाल किया अजीत भाई ने जी, और मेरा ये फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे इसमें बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, फर्स्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही आसान ये तरीका है, मैं इसके बारे में भी वीडियो में बताऊँगा। अजीत भाई, कश्मीरी के लिए क्या क्या चार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? कश्मीरी के लिए भी 2.5-3-4 का केज है, और मैंने अपनी जगह के अकॉर्डिंग है ये मैं इनको मैक्सिमम केज दी। जी अजीत भाई, बॉक्स साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीरी के लिए आप? यार बॉक्स साइज कॉमन ही है, कुछ बर्ड्स हैं जिनकी एवरेज ज़्यादा है अंडे, जो 5 कुछ मेरी फीमेल हैं वो 6 अंडे भी देती हैं, उनको मैंने एल शेप लगाया हुआ है, और कई जो बर्ड्स हैं वो कम्फर्टेबल हैं नॉर्मल लंबे बॉक्स में, तो उनको मैंने जो है वो सीधे बॉक्स लगाए हुए हैं। ये मैंने ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखा हुआ है, ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखने के लिए इनके पीछे कागज़ लगाए हुए हैं, इस पर एक एक चीज़ मेंशन है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं इनके बॉक्सेस खुद ही चेक करता हूँ, तो ये डाटा शीट है जो ये हर साल है इसको मैं बाद में उतार लेता हूँ, हर एक जो कार्ड है उसके ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, इसको उतार के बाद में मैं एक्सेल शीट बनाई हुई है उसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास है इन बर्ड्स का 4 साल का रिकॉर्ड है कि किस बर्ड ने मुझे क्या
जो दिया है। जी अदील भाई, हमारे व्यूवर्स को क्या दिखा रहे हैं आप? अवैस, ये सारी प्रोडक्शन है और ये आपने सारे देखने हैं, सारे ब्रूडर्स में डिफरेंट साइजेस के बर्ड्स हैं। इनका हर एक का जो टेम्परेचर है वो दूसरे से फर्क है और आप देख रहे हैं ये कितने साफ सुथरे हैं और मैं बर्ड की जो किस तरह के हाइजीन इन्वायरमेंट में है वो परवरिश हो रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं स्टार्ट होता हूँ एक नंबर से। यहाँ पे सबसे छोटा बर्ड है, फिर उसके बाद बड़ा स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा जब बड़ा होता है तो तीसरे नंबर में शिफ्ट हो जाता है, और जब बर्ड के ऊपर थोड़ी थोड़ी पिन्ने आ जाती हैं तो फिर उसको ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये लोकल ब्रूडर्स हैं मेरे पास, तो ये भी मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो उसके बाद बर्ड इन बड़े लोकल ब्रूडर्स में आ जाता है और इनके बाद फिर बर्ड है वो नीचे कंटेनर्स में शिफ्ट हो जाता है। ये प्लास्टिक के पोर्टेबल जो कंटेनर्स हैं जो कि वॉशेबल हैं, इनका बूरा है वो डेली चेंज होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो मैंने कैसे किया हुआ है। और इसके बाद है ये डायरेक्ट अंदर आइवरी में चले जाते हैं, वहाँ पे जितनी देर ये फीड लेते हैं इनको फीड देते हैं और फीड के बाद जो है रेडी फॉर सेल हो जाते हैं। जी जी भाई, आपने एक वीडियो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पर नर्सरी की, तो लोगों की तवज्जो के मरकज़ बनाए हुए हैं आपके ये जो ब्रूडर वगैरह मौजूद हैं, तो कुछ हवालात मेरे भी चैनल्स पर भी आए हैं, मार्केट्स में भी आए हैं कि इस ब्रूडर की कीमत कितनी है? ये आर्कॉम कंपनी का है और हर एक को प्राइस का इसकी पता है, तकरीबन ये 1,25,000 से 30,000 का है। तो साहब, आप फीड कौन सी करा रहे हैं अपने बर्ड्स को? मैं हर तरह सारी फीड करवाता हूँ, सिटाकस की जिस बर्ड को जो रिक्वायर्ड है। इस साल मैंने सिटाकस करवाई है और मैंने केटी भी यूज़ की है, ट्रॉपिकन है, जो जब बर्ड बिल्कुल रेडी टू फ्लाई होता है तो उसको मैं ट्रॉपिकन करवाता हूँ। जी जी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर वो देखना चाहते हैं इंक्यूबेशन और अदील भाई की नर्सरी की वीडियो कम्प्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट का इंतजार करें, नहीं तो अदील भाई का अपना चैनल भी है, अदील भाई ने तफसील से वीडियो बना रखी है नर्सरी रूम की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अदील भाई, आपके चैनल का नेम क्या है? मेरे चैनल का नेम अदील चौधरी आइवरी है, मेरे नाम से ही, और उस पर सारी जो इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भाई माशाल्लाह से आपका हमने फार्म विजिट कर लिया, बहुत मजा आया, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अदील भाई सबसे पहले लोकेशन बता दें, लाहौर रायवन रोड पे मेरा फार्म है। अदील भाई, आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है? अब सबसे आसान जो मेरे से रब्ता करना है ना वो तो है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे कमेंट कर दें जो आपके क्वेश्चन है, मैं वहाँ पे हर कमेंट का आंसर करता हूँ और वीडियो भी ज्यादा उसी पे बनाता हूँ जो मुझे वहाँ पे कमेंट में पूछते हैं लोग कि ये चीज कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, अगर मुझे उसका नॉलेज हो तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अदील भाई नाम भी बता दें चैनल का। मेरे चैनल का नाम अदील चौधरी आइवरी है, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये इसका लोगो है और यह नाम के स्पेलिंग भी है अदील चौधरी आइवरी, और लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अजीज भाई, अगर कोई बंदा फिजिकली आपसे मिलना चाहे या आपसे फ़ोन पे रब्ता करना चाहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ और मुझे आपकी लास्ट आपने अपनी वीडियो में मेरा नंबर दिया था, हर बंदे ने मुझे मैसेज करने से मैसेज जब भी किया उसने मुझे सबसे पहले ये लिखा है कि मैं आपको तंग करना नहीं चाहता, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सिंगल बंदा हूँ और मैं इतने हज़ारों लोगों का जो है ना वो जवाब दे सकूँ, किसी बंदे का छोटा सा भी क्वेश्चन होता है वो मुझे मैसेज कर देता तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मेरी कोशिश होती है मैं हर बंदे को रिस्पॉन्ड करूं, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसकी रीज़न ये होती है कि मैं इतने ज़्यादा मैसेज पढ़ता हूं लेकिन कैपेसिटी से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो तब रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है। अदील भाई, फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो आपसे कुछ बाइंग वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए बराए मेहरबानी नंबर शेयर कर दें। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, पहले भी भाई को बहुत से मसाइल का सामना। अदील भाई अब हमारा फ़ोन भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें इतनी मिस कॉल वगैरह कॉल आती है कि वो साइलेंट पे लगा के रख देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नंबर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, लेकिन उसकी ये रीज़न नहीं है कि मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता क्योंकि कॉल इतनी ज़्यादा होती हैं, लाइक जिस तरह आप मेरे पास आए हुए हैं और अगर अभी मुझे कॉल आ रही है तो जो बंदा आपके सामने या साथ बैठा हुआ है उसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि आपको किसी की कॉल आ रही
रही है तो अगला बंदा किसी की मजबूरी नहीं समझता कि बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है। इवन कि अगर नंबर बिजी भी कर दें फिर भी कॉल किए जाते हैं, और व्हाट्सएप की कॉल तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे हर बंदा व्हाट्सएप पे कॉल करता है जिसने बात करनी हो कोई बात। कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता तोतों के बारे में, वो पूछते हैं आपके पास तोते हैं कौन सी वैरायटीज हैं। अब मैं उनको क्या एक्सप्लेन करूं, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अगर चैनल देखा हुआ है या आपको पता है कि आपने किस सोर्स से मुझे रब्ता किया, तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास कौन से बर्ड्स हैं। जो काम की बात है आप काम की बात करें और उसे बंद कर दें, ना कि आप मेरे से पूछें बोलने वाले तोते कौन से होते हैं इनकी वैरायटीज कौन सी है, तो मैं इतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नतीश भाई एक मशवरा मैं दूंगा, ऐसा करते हैं नंबर देते हैं लेकिन व्यूवर से रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो आपसे रब्ता करें तो सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेज करें व्हाट्सएप पर। जी मुझे वॉइस मैसेज कर दें। और दूसरा मैंने ये कहना था कि जो लोगों के पास मेरा नंबर चला जाता है सुबह एक लंबी लाइन लगी होती है फॉरवर्ड मैसेज की, गुड मॉर्निंग कोई क्या कह रहा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सब जो व्यूअर्स हैं मेरे लिए दिलो जान से मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोग जिनको कोई काम का कोई किसी के पास कोई काम का मैसेज होता है वो उस फॉरवर्ड मैसेज की वजह से उनकी काम की बात है वो रह जाती है, तो इस चीज से भी आप अवॉइड करें। जी बिल्कुल, देख लेंगे आदेश भाई को बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे व्यूवर हैं अगर वो रब्ता करना भी चाहते हैं आदेश भाई से, तो मैं एक बार आदेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि तंग नहीं करना आदिल भाई से। अगर आपको कोई काम है कोई बर्ड्स की बाइंग करनी है तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं, वो भी इस सूरत में कर सकते हैं कि आपने वॉइस मैसेज करना है, ये नहीं कि रात को 3 बजे उठ के आपने कॉल कर देनी है। आदिल भाई काठे का पत्थर मिलेगा आपके पास। तो आदिल भाई मैं चाहूँगा कि हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं आपसे करते हैं उनके लिए नंबर एक बार फिर शेयर कर दें। जी ज़रूर। जी आदिल भाई नंबर बता दें। मेरा नंबर है 03218585055। आप स्क्रीन पे भी ऐड कर दीजिएगा। जी ये स्क्रीन पर भी मौजूद है। और अक्सर दोस्त सोच रहे होंगे कि आदिल भाई को पता नहीं क्या मसरूफियत है, आदिल भाई की जहाँ फार्म पे मौजूद है इस फार्म के नीचे बहुत बड़ी आदिल भाई की फैक्ट्री है जहाँ पे माशाल्लाह से सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं। आदिल भाई पर बिजनेस का भी बोझ है, इस वजह से उनके मसाइल हैं, आपने तंग नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आदिल भाई के पास फिर दोबारा आऊँ नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आदिल भाई के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनके चैनल पर भी जाएँ सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। और आदिल भाई को भी बताएँ कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपसे हम लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ जब फ्यूचर प्लान जो आपके हैं जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपने वो इम्प्लीमेंट कर रखे होंगे, अपने व्यूवर्स को कुछ नई चीज़ दिखाएंगे आपके फॉर्म पर। ठीक है आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लाह हाफिज़।